खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत सभी बीपीएल परिवारों को राशन लेने का अधिकार है। खाद्य संरक्षण विभाग के अंतर्गत सभी गांवों में जन वितरण प्रणाली की दुकान खोला गया है, पर गया जिला के मोहरा प्रखंड के सेवंतर गांव में राशन नहीं मिलने से सही समय से लोग खाना नहीं खा पाते हैं और बीमार होने की संभावना बनी रहती है। कोटेदार गाला नहीं टाइम से देता है, चार महीना तक देता है, कभी 3 महीना पर देता है। और जाते हैं तो हमनी के बोलते हैं गाला के बारे में तो बहुत गुस्सा होता है हमनी तो, गाला गलौज भी कर देता है। इस गांव में कितने घर होंगे? लगभग 1000 के। इस गांव में कितने कोटा है? 2 कोटा है। ये कूपन द्वारा गला मिलता है? मिलता है, कूपन तो मिल ही गया है। गला कभी 4 महीना पर मिलता है, कभी 3 महीना पर मिलता है, फिर भी गला मिलता है। कैसा खाने लायक नहीं मिलता है, चावल कभी सड़ल मिलता है, खाली गेहूँ मिलता है सड़ल कभी कभी। अब बोलते हैं तो कहता है कि जाओ, जहाँ जाना मन है चला जाओ, हम देख लेंगे। तो आप लोग रोड जाम कल कर दिए थे? हाँ। तो उस स्थिति में कौन कौन आए थे? प्रशासन आए थे, वीडियो आए थे। तो वीडियो साहब क्या बोले? वीडियो साहब बोले कि आपसे ऐसे नहीं होगा, से हम तो हाल फिलहाल बैठे किए हैं, हमको पर विश्वास कीजिए। तो आप लोग चाहते क्या? हम ये चाहते हैं कि मानी कि महीने महीने खाली गला अच्छा से मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। मैं चाहता हूँ कि ग्राम सेवंतर में जन वितरण प्रणाली की दुकान से हर एक माँ राशन मिले, ताकि पुतू देवी की तरह और भी ग्रामीणों को समस्या का सामना न करना पड़े। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एमओ का मोबाइल नंबर 9304309719 पर कॉल कर उन पर दबाव बनाएं। मैं अमित कुमार, गया जिला बिहार से, इंडिया नेट के लिए।